Once again, friends, I am here in front of you to discuss with you all about the problem from Nootan physics. And here today I am discussing about the problems from the chapter friction of class 11th, and this is the 7th problem of our discussion. A block placed on a rough inclined plane of length 4 meter just begins to slide when the upper end of the plane is 1 meter high. कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं कि एक रफ इंक्लाइन प्लेन है और इस प्लेन की लंबाई खुद की कितनी है, 4 मीटर्स है, और ये हाइट कितनी है, 1 मीटर है. और क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक रखता हूँ, तो लेट्स प्लेस अ ब्लॉक. जैसे मैं इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखता हूँ इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इट जस्ट बिगिन्स टू स्लाइड. ना दोस्तों, आपको मालूम होगा और मेरे अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो फ्रिक्शन के वीडियो मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करी थी. जब कभी भी कोई ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, तो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, यानी उस समय जो एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन बनता है वो एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है या एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है. तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि इस समय ये ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड है. तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड होता, उस समय जो उसकी जो कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता वो टैन ऑफ दिस एंगल के बराबर होता, टैन थीटा के बराबर होता. अब इस केस में यहाँ पे मुझे टैन थीटा निकालना है. ये इंक्लाइन प्लेन की खुद की लंबाई कितनी है, 4 मीटर. ये हाइट कितनी है फ्रेंड्स, ये है 1 मीटर. तो टैन थीटा, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये वाली हाइपोटन्यूज 4 मीटर की है और हाइट जो है 1 मीटर की है, तो आप ये साइड निकाल सकते हैं. कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटन्यूज स्क्वायर, गोरस थ्योरम, हाइपोटन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. फ्रेंड्स, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटन्यूज कहलाता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का. जिस पे एंगल रेस्ट करता है वो वाला साइड बेस, और उसके एंगल के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, हाइपोटन्यूज हमारे पास 4 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर कितना हुआ फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर हो गया 1 का स्क्वायर, और बेस हमें फाइंड करना है फ्रेंड्स. तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बेस का स्क्वायर. बेस का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर हो गया आपका 15. देयरफॉर बेस की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, रूट ऑफ 15. तो हम लोगों ने ये बेस की वैल्यू फाइंड कर ली, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल कितनी आ रही है फ्रेंड्स, ये बेस की वैल्यू आ रही है रूट 15. अब म्यूएस किसके बराबर था, टैन थीटा. टैन थीटा क्या हो गया, ये हो गया हाइट अपॉन द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका बेस बना हुआ फ्रेंड्स. तो मैं अगर इस बेस की वैल्यू देखूँ, 1/√15 आया, तो म्यूएस की वैल्यू 1/√15 हो गया फ्रेंड्स. तो इस तरह से आप इसमें कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड कर सकते हैं. अब चलिए जैसे इसको 1/√15 की वैल्यू, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग 1/√15 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 1/√15 क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है 0.258, और जो इस क्वेश्चन का फिर हमारे लिए आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, 0.258. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को. इस पे मैं समय समय पर इम्पॉर्टेंट वीडियोस जैसे फिज़िक्स के ऊपर लोड करता रहूँगा, नूतन फिज़िक्स के सॉल्यूशंस, और कोई किताब जिसके आपको सॉल्यूशंस चाहिए हों फ्रेंड्स, आप उसको ज़रूर बताइए, उनको भी मैं अपलोड करता रहूँगा. थैंक यू फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा आगे वीडियोज़ को बनाने के लिए. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच.